नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ण विचार का जो हमारे टॉपिक चल रहा था उसमें स्वर वर्ण का पूरा करवा दिया। अब आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो व्यंजन वर्ण में देखिए, हिंदी में जो वर्ण थे, मूल वर्ण 44 जो वर्ण थे उसमें 11 स्वर और 33 जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। व्यंजनों को दो भागों में बांटकर वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो देखो, हिंदी में जो व्यंजन हैं उनकी मात्रा 33 बताई गई है, जिसमें 25 जो है वो स्पर्शी व्यंजन और 4 उस अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद में उष्म व्यंजन और संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर को अलग रखा गया है उसमें, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपने दोनों प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो संस्कृत व्याकरण में जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो सूत्र बताएंगे उन सूत्रों के द्वारा भी हम साथ में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो पेपर जो बनाए जो पेपर सेटर के द्वारा जो पेपर बनाए जा रहे हैं उन सभी पेपरों में संस्कृत को आधार मानकर ही वो पेपर बना रहे हैं, लेकिन हम साथ में हिंदी के अनुसार हिंदी में जो मानकता प्रदान की गई है उनका अध्ययन भी हम साथ में करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का पेपर में मान प्रश्न आने पर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत ना आए। तो दोनों प्रकार से हम पढ़ेंगे, तो संस्कृत के जो सूत्र उनके द्वारा भी और साथ में हिंदी का जो मानक रूप उनके द्वारा भी, जो आधुनिक वर्गीकरण बताया गया है उसके अनुसार भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, व्यंजनों को दो भागों में बांट करके पढ़े हैं, जिसमें नंबर एक है उच्चारण, स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो अपने जैसे क वर्ग में उसी प्रकार च वर्ग ट वर्ग त वर्ग उसके बाद में प वर्ग उसके बाद में अंतस्थ वर्ण उसके बाद में उसमें व्यंजन व्यंजन या वर्ण दोनों में से कुछ भी नाम लिख सकते हो, तालव्य मूर्धन्य दंते और हयकार। उसके बाद में संयुक्ताक्षर, उनके बारे में हम बाद में आगे पढ़ेंगे। अब देखो, ये तो हिंदी की वर्णमाला है, इस हिंदी की वर्णमाला के में इनका सभी का अलग अलग उच्चारण स्थान दिया हुआ है। तो साथ में हम जो संस्कृत की जो व्याकरण है उसमें जो सूत्र दिए गए उनके अनुसार भी हम साथ में पढ़ेंगे, ताकि आपके परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आए। तो जब हमारे मुख विवर से यानी हमारे वायुकोश फेफड़ों से जो हवा निकलती है और हमारे मुख विवर में जब टकराती है, और आपको ये पता है कि जो स्वर है वो निर्बाध रूप से, स्वरों की ध्वनि निर्बाध रूप से निकलती है, लेकिन जो व्यंजन है वो बिना स्वरों की सहायता के ध्वनि निकलती नहीं है। अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली जो ध्वनि है वो व्यंजन कहलाती है और उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये बात आप सभी जानते हो, क्योंकि हमेशा से ये पढ़ते आए कि स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि
व्यंजन कहलाती है, और व्यंजन बिना स्वरों के नहीं पढ़े जा, बिना स्वर की सहायता के उनकी ध्वनि निकलती नहीं है, और वो जब स्वर की सहायता से जब ध्वनि निकलती है तो हमारे मुख विवर में कहीं ना कहीं वो स्पर्श करती है, और जहाँ पर जो ध्वनि स्पर्श करती है उसके अनुसार उस वर्ण का, उस वर्ग का, वर्ग के अंदर आने वाले जो व्यंजन है, वर्ण है, उनका नाम दे दिया गया, उनको उसी के अनुसार उसको जाने जान रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे जो सूत्र है उसमें सूत्र आता है, अकु है, विसर्जनिया नाम, कंठ है। यह सूत्र अकु है, विसर्जनिया नाम, कंठ है, यह सूत्र दिया गया संस्कृत में। अब इस सूत्र के अनुसार यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे ए का मतलब है कि स्वर में से भी हम साथ में, अब इसमें स्वर को भी शामिल किया जाएगा, सूत्रों के अनुसार स्वर को भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा, स्वर को भी, स्वर का भी अलग अलग जो उच्चारण स्थान है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा कि स्वर की ध्वनि कहाँ से निकलती है। तो ए का मतलब यहाँ से यदि हम ले तो ए और आ, ए और आ की जो है उनको कंठ मानते हैं संस्कृत के अनुसार, लेकिन आधुनिक जो वर्गीकरण हुआ है हिंदी का, उस वर्गीकरण के अनुसार इनका ए और आ को अलग स्थान दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद में कू का मतलब यहाँ पे पूरा कै वर्ग है, कू का मतलब यहाँ पे पूरा कै वर्ग है, तो ये पूरा जो कै वर्ग है, ये कू का मतलब ये पूरा कै वर्ग आ गया, कै वर्ग के अंदर जो आने वाले जो वर्ण है ये सारे वर्ण इसमें आ गए। और उसके बाद में विसर्ग का मतलब यहाँ पे विसर्ग, ठीक है, इसको जदिया नाम मतलब जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इनको हम, इनको कंठ, यानी कंठ, कंठ वर्ण के नाम से इनको जानते हैं, मतलब ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे सारे ये कंठ वर्ण कहलाएंगे, सारे सारे कंठ, अर्थात इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, अब इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखिए यहाँ पे जो ये है शामिल किया गया है संस्कृत के अनुसार, तो ये है किसमें, संस्कृत में के अनुसार तो है का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, संस्कृत के अनुसार तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी का जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण में इस है का, इस जो है को दिया गया है जो है को अली जीवा या काकल्य, इसका जो है का जो उच्चारण स्थान है का उच्चारण स्थान ये है अली जीवा या काकल्य माना गया है। संस्कृत में तो है किस में शामिल है, कंठ में शामिल है, लेकिन आधुनिक हिंदी का जो वर्गीकरण हुआ है उस वर्गीकरण में है का अली जीवा या काकल्य इसको, उसका उच्चारण स्थान दिया गया अली जीवा या काकल्य, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे मुख विवर में जो काकल्य है वो एक प्रकार से अली जीवा, एक प्रकार से छोटी जीव के रूप में वो कार्य करती है, वो स्वर यंत्र के रूप में एक प्रकार से वो काम करती है, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले जो बाहर जो एक घंटा होता है उसको बजाते हैं, उसी प्रकार जब ध्वनि निकलती है तो सबसे पहले वो वहाँ पे उसको वो स्पर्श करते हुए निकलती है। तो ये है सबसे भारी वर्ण है, और संस्कृत में यह माना गया है कि ये कंठ इसका उच्चारण स्थान होता है, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार आप ध्यान रखना, यदि ऑप्शन में आपको दिया जाए कि है का उच्चारण स्थान क्या है, है का उच्चारण स्थान यदि आपको दिया और ऑप्शन में यदि आपको कंठ भी दिया है और साथ में अली जीवा या काकल्य भी दिया है, तो आपको फिर करना कौन सा, आपको ये अली जीवा या काकल्य वाला ऑप्शन आपको सही करना है, क्योंकि आधुनिक हिंदी का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण में ये इसको है को काकल्य अली जीवा माना गया है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन चलता रहता है, क्योंकि अपने माल पेपर सेटर ने, पेपर बनाने वालों ने, पेपर सेटर ने तो है को, वो पेपर जो बनाते हैं वो संस्कृत की व्याकरण के अनुसार पेपर बना दिया, और लेकिन ऑप्शन में मान लो कि है को कंठ भी उच्चारण स्थान में, मतलब ऑप्शन में कंठ भी दिया है और साथ में अली जीवा भी दिया है, तो फिर आपको उस समय आपको फिर अली जीवा वाला या ये काकल्य वाला ऑप्शन ही आपको सही करना है, और वही सही माना जाएगा, आधुनिक वर्गीकरण ये कह रहा है, जबकि संस्कृत व्याकरण बहुत प्राचीन व्याकरण है तो उसमें ये माना गया, लेकिन अब धीरे धीरे हिंदी के अंदर शोध होते रहते हैं,
हमारा जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वो आधुनिक शोध चलते रहते हैं, तो आधुनिक वर्गीकरण में है को काकल्य स्थान दिया, काकल्य दिया गया है, तो आपको ऑप्शन में काकल्य या अलीजे वाला ऑप्शन ही आपको सही करना है यदि दोनों आए तो। और यदि दोनों में से एक आए तो फिर जो है वो तो आप सब जानते हो कि इस सूत्र के अनुसार अकु है, विसर्जनिया नाम मतलब है का उच्चारण स्थान कंठ है, तो आपको वो करना है। और यदि मान लो कंठ नहीं हो और अलीजिवा हो तो फिर आपको अलीजिवा वो आपको करना है। उसके साथ में यहाँ पे ये जो ए और आ दे रखा है, इस ए आ का जो आधुनिक वर्गीकरण में इसको ए, ये आधुनिक जो वर्गीकरण हुआ हिंदी का उसमें ए आ और ये आ जो आगत विदेशी वर्णमाला से लिया है, इनको कोमल तालव्य इनको स्थान दिया गया, इनको कोमल इनको कोमल तालव्य माना गया है। तो यदि ऑप्शन में यदि अ और आ का उच्चारण स्थान आपको पूछा जाए कि अ और आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, तो फिर ऑप्शन में यदि कंठ भी दे रखा है और कोमल तालव्य भी दे रखा है तो फिर आपको हर हाल में कोमल तालव्य वाला ऑप्शन ही करना है, आपको कंठ वाला ऑप्शन नहीं करना है। यदि मान लो कि ऑप्शन में एक दे रखा है, कंठ दे रखा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंठ वाला ऑप्शन करना है। यदि कंठ भी दे रखा है और कोमल तालव्य भी ऑप्शन दे रखा है तो फिर आपको कोमल तालव्य वाला ऑप्शन ही करना है। और यदि कोमल कंठ नहीं है, कोमल तालव्य, तो फिर आपके कोई दिक्कत नहीं, कोमल आधुनिक वर्गीकरण में ए आ और ये जो आगत विदेशी वर्णमाला से जो लिया गया है आगत व्यंजन इसको बोलते हैं, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। जो आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है इसको इसमें शामिल किया गया है, तो इसमें कोमल तालव्य मानना है। तो ये आधुनिक वर्गीकरण में और संस्कृत की जो संस्कृत के जो सूत्र हैं उनमें ये अंतर आ रहा है। आधुनिक वर्गीकरण में ये माना गया है और संस्कृत की जो सूत्र हैं उन सूत्रों के अनुसार इसका उच्चारण स्थान ये दे रखा है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि इनका उच्चारण स्थान यदि ऑप्शन में कंठ भी आ रहा है और कोमल तालव्य भी आ रहा है तो आपको कोमल तालव्य वाला सही करना है और वो सही माना जाएगा। यदि मान लो कि ऑब्जेक्शन पर्सन आ गया और आपने उसको कोमल तालव्य किया और फिर भी आंसर की में यदि उसको गलत मान लिया गया, तो फिर आप रेफरेंस दे सकते हो जो अपने हरदेव जो अपने जो नए जो जो भी अपने व्याकरणाचार्य उनकी जो पुस्तकें हैं जिनमें ये बताया गया, तो उनका आप रेफरेंस दे सकते हो और वो सही माना जाएगा। तो क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो वर्गीकरण किया आधुनिक वर्गीकरण उनमें इसको शामिल किया गया है, तो ये आप सब जान सकते हो। मतलब दोनों ऑप्शन आए तो फिर आपको कौन सा करना है ये आप तय कर लेना कि कोमल तालव्य भी आ रहा है, कंठ भी आ रहा है, तो आपको कोमल तालव्य करना है, और कंठ केवल कंठ है तो कंठ आपके पास में कोई इलाज नहीं है, ऑप्शन वही करना है। दोनों आए तो दोनों में से पहले उसका आपको चुनाव करना है, उसको चुनना है, और वो नहीं आए तो फिर एक आए तो जो भी आए उसको आपको करना है। तो ये जो कैवर्ग है इस कैवर्ग के अनुसार ये संस्कृत के जो वर्णमाला उसके सूत्र है उसके अनुसार तो अकु है, विसर्जनिया नाम कंठ है, मतलब ये पूरा कैवर्ग और ए और आ और विसर्ग और है इसको कंठे के नाम से जानते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान कंठे है, और आधुनिक वर्गीकरण में इनको इस प्रकार है गो अलीजिवा एकाकल्य और ए आ और आ को कोमल तालव्य के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन में आपको ये चुनाव करना है। उसके बाद में आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और नहीं तुम इसको क्योंकि इसकी जगह इसके सामने जो जगह है उसके बाद में दूसरा जो है इच्छुए शनाम तालु हो। अब ये संस्कृत के जो सूत्र है उसके अनुसार यहाँ पे स्वर में सिद्धि हमले तो ई का मतलब यहाँ पे स्वर में सिद्धि हमले हैं तो लघु ई और दीर्घ स्वर ई दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे, लघु स्वर और दीर्घ स्वर ई। और यहाँ पे चूंकि मतलब पूरा चय वर्ग है तो चय वर्ग इसमें शामिल हो रहा है, चय वर्ग। और ये अब यहाँ से हमें नीचे से जो अंतस्थ और उसमें व्यंजन है इनमें से हमें जोड़े उठाने पड़ेंगे, एक एक के जोड़े, ये और ये
और शय, तो यहाँ पे ये और शय, इसको हमने ये और शय को ले लिया, और साथ में अब ई चय वर्ग ये और शय को, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम ताल्लव्य व्यंजन के नाम से हम इनको जानते हैं, इनको उच्चारण स्थान दिया ताल्लव्य व्यंजन। अब देखिए कि इसमें आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जो संस्कृत में है वही वर्गीकरण इनको दिया गया है, बस आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो ताल्लव्य शय है और ये जो ये है, ये को अपने आगे जो वर्गीकरण और भी अलग अलग दे रखा है वो आगे मैं बता दूंगा आपको, अभी पहले अपने सूत्र के अनुसार देख लेते हैं। अभी इसके हम इनको ताल्लव्य व्यंजन के नाम से इनको हम जानते हैं, बस इसीलिए जब हम उच्चारण करते हैं तो इसको इस शय को ताल्लव्य व्यंजन में दे रखा है, तो इसका तात्पर्य यही है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवा को ऊपर तालु की तरफ उठाना पड़ेगा, और तब जाके मतलब सिटिकी से आवाज़ आती है, तब जाके इस शय का उच्चारण होता है। कि यदि मान लो कि हमने ये शंकर और ये शंकर, यदि हम ऐसा, और यदि हम शंकर बोलें सीधा शंकर, तो इसका से उच्चारण सही नहीं है, शंकर सिटिकी से आवाज़ आती है, तब जाके इसका उच्चारण सही आएगा। इसलिए इसका तात्पर्य है कि ताल्लव्य है, इसका तात्पर्य है कि ये ताल्लव्य शय है, इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार जब बच्चों को पढ़ाते हैं या छोटे बच्चों को समझाते हैं तो गोल वाला शय, सर्जम वाला शय हम ये पढ़ाते हैं, जबकि व्याकरणिक नाम इसका क्या है, ये कौन सा शय है, ये ताल्लव्य शय, इसको ताल्लव्य शय के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारे जीवा को ऊपर तालु की तरफ उठाना पड़ता है, तब जाके और सिटिकी से आवाज़ आती है, तब जाके इसका उच्चारण सही आता है। और यदि हम सीधा शंकर बोलते हैं तो हम इसका मतलब, जबकि इन दोनों में अंतर भी हो गया, ये शंकर समधनकर शांत, जो भगवान शिव वाला और शांत पर शांति को उत्पन्न करने वाला, और ये शंकर जो मिलावट करता है, मिश्रण करता है, संक्रमण होता है उसका है, तो दोनों में अंतर आ जाता है ध्वनि का करने में। जबकि सही उच्चारण, इसको यदि हम ध्वनि को जीवा को तालु की तरफ ऊपर उठाएंगे तब जाके इसका सही उच्चारण आएगा। उसके बाद में तो ये ई स्वर में से यदि हम लें तो ई और चय वर्ग और ये और शय, तो इसको हम ताल्लव्य के नाम से इसको जानते हैं। यह के बारे में और भी जो आगे बताएंगे, यह को और भी नाम दे रखा है आधुनिक वर्गीकरण में, वो हम पूरा, क्योंकि यह के साथ में और भी आएंगे, यह रला पूरा जो आएगा, इसको अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं, संघर्षहीन व्यंजन के नाम से जानते हैं, इस सत्य स्पष्ट के नाम से जानते हैं, तो हम आगे अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले इनका पूरा वर्गीकरण हम कर लेते हैं। उसके बाद में जो तीसरा जो सूत्र है रिटूर साणा मूर्धा, रिटूर साणा मूर्धा, संस्कृत के जो व्याकरण है उसके अनुसार, या संस्कृत में जो सूत्र दिए गए हैं उसके अनुसार, जो इसमें रि का तात्पर्य है कि जो संस्कृत में रि और एक दीर्घ स्वर रि, जो संस्कृत में काम में आता है, ये जो दीर्घ स्वर रि है ये केवल संस्कृत में काम में आता है, जैसे इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि संस्कृत में स्वर 13 होते हैं और हिंदी में स्वर 11 होते हैं, तो हिंदी में तो इसको जो रि है ये, और जो दीर्घ स्वर रि है, अर्थात जैसे मैंने बताया था कल आपको कि जैसे मान लो कि ये मातृण जो शब्द है, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो मातृ धन ऋण, ये री और ये री दोनों समान स्वर आपस में मिलने पर, जो जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ संधि में इसका प्रयोग होता है। तो ये संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो संस्कृत का 13वां जो स्वर है, 12वां मान लो चाहे 13वां मान लो, क्योंकि लरी, ये तो लरी और ये री दीर्घ स्वर री, ये 12वां और 13वां या 12वां या 13वां कुछ भी आगे पीछे कर सकते मान सकते हो, तो ये संस्कृत में काम में आते हैं। तो इसलिए मातृ धन ऋण, जब दीर्घ स्वर जैसे अपने हिंदी में ए ई और री, ए ई ऊ री, तो जबकि री को
जैसे कल भी कमेंट में मेरे एक विद्यार्थी ने पूछा था कि री को अपने जो हिंदी राजस्थान हिंदी जो व्याकरण है उसमें अपने जो RBS हिंदी व्याकरण उसमें तीन स्वर बताएंगे, तो वो तीन स्वर बताएंगे और क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण में इसको री को स्वर नहीं मान करके, जबकि री का हिंदी में जो प्रयोग आ रहा है वो केवल तत्सम शब्दों में ही जो री है वो आ रहा है हिंदी के अंदर। जैसे मान ऋषि है, ऋषि शब्द जो ये तत्सम शब्द है और हिंदी में इसका प्रयोग किया गया है, तो ये जो री है वो तत्सम शब्दों के अंतर्गत हिंदी में आया है और री को अब आजकल आधुनिक वर्गीकरण में इसको री को व्यंजन के रूप में मान लिया गया है, री को इस प्रकार मान लिया गया है। तो वो लेकिन फिर भी अपने को ध्यान में रखना है कि री सूत्रों के अनुसार री स्वर है, जो अपने 11 जो स्वर उसमें ये सूत्रों के अनुसार तो ये आता है, और इस बात का अपने को पूरा ध्यान रखना है कि संस्कृत में जो री स्वर है और हिंदी में केवल जो तत्सम शब्दों के अंतर्गत ये इस प्रयोग में लिया गया है। अब देखिए तो री और री दोनों स्वर में से हम ले तो री री और उसके बाद में ये र जो रेफल र और उसके बाद में आधा ये ऊपर जो ऊपर रह गया है रेफल र जो आधा रेफल जो र है, यानी जिसको हम ये एक प्रकार से ये हम ऊपर की जो मात्रा मानते हैं ये, और उसके बाद में ये श। अब यहाँ से हम इस जोड़ा उठाएंगे र और श, तो र तो यहाँ पे आ गया, उसके बाद में ये श श, उसके बाद में रेटू शाणाम मूर्धा। ठीक है, रेटू शाणाम का मतलब है यहाँ किस नाम से इसको जानते हैं, इसको हम मूर्धा के नाम से जानते हैं, अर्थात इसको जीव का जो अग्र भाग है शीर्ष भाग है ये हमारे जो कठोर जो तालु है वहाँ पे, अर्थात ऊपर वाले जो दांत उसके पीछे जो कठोर तालु होता है पीछे वाले जो दांत के पीछे वाला भाग हो तो वहाँ पे स्पर्श करता है तब जाके इसकी ध्वनि वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे मूर्धा करते हैं, यहाँ पे संस्कृत में जीवा होता है, तो ये अर्थात ये जीवा मूल्य है, तो इसलिए री को जीवा मूल्य माना गया है कि री का जब उच्चारण होता है तो वो जीवा मूल्य है, अर्थात जीव के शीर्ष भाग से इसका आगे स्पर्श करता है, आगे ऊपर वाले जो कठोर तालु वहाँ पर स्पर्श करता है तब जाके इसके ध्वनि निकलती है। तो इसको मूर्धन्य व्यंजन के नाम से इनको मूर्धन्य व्यंजन के नाम से इनको जानते हैं। तो ये संस्कृत का जो सूत्र उस सूत्र के अनुसार ई और री और रे और रे फल र जो आधा रह होता है वो ऊपर जो लगता है रेप के रूप में मात्रा के रूप में लगता है वो आधा रह, और ये श तो इसका उच्चारण करते समय जीभ का जो अग्र भाग है वो ऊपर कठोर तालु के पास में हम ले जाते हैं, अर्थात दांतों ऊपर वाले दांतों के पीछे जो कठोर ताल भाग होता है वहाँ पे स्पर्श करता है तब जाके इसकी ध्वनि एक प्रकार से षटकोण, तो वो सिटी की सी जो ध्वनि थोड़ी कम सिटी उष्मा ज़्यादा निकलती है, ध्वनि कम निकलती है उष्मा ज़्यादा बाहर निकलती है तब जाके इसका सही उच्चारण आता है। तो संस्कृत के व्याकरण अनुसार जो सूत्र के अनुसार ये मूर्धन्य व्यंजन है जिसमें पूरा टवर्ग शामिल है, और वैसे अभी जो सूत्र के अनुसार जो पंचम प्रत्यय वर्ग का जो पंचम वर्ण है इस पंचम वर्ण को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि संस्कृत में इसको अलग सूत्र दे रखा है, तो नासिक के व्यंजन के रूप में इसको माना गया, तो सूत्र अलग दे रखा है। वैसे प्रत्येक वर्ग के जो चार वर्ण व्यंजन है वो तो इसमें इस सूत्र के अनुसार शामिल होंगे और फिर भी जो क्योंकि ये समनासिक के व्यंजन है क्योंकि इनका उच्चारण सिर्फ नाक से उच्चारित होता है, तो ये प्रत्येक वर्ग का जो ये चारों जो व्यंजन है वो सारे इस वर्ग में आते हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन के नाम से इनको जानते हैं। उसके बाद में अगला जो सूत्र आता है लिरतुल सानाम दंताहा, लिरतुल सानाम दंता, मैंने आपको बताया था संस्कृत में 13 स्वर होते हैं जिसमें लिरी भी, तो अब स्वर में से हम लें तो लिरी जो लिरी स्वर है वो आ गया, और तू को मतलब यहाँ पे तयवर्ग तय थय दय धय ये तयवर्ग आ गया पूरा तयवर्ग। उसके बाद में अब यदि हम यहाँ से जोड़ उठाएं तो लय और से इसको हम यहाँ पे ले तो ये ले और से,
और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम इसको दंते के नाम से हम इनको जानते हैं, दंते वर्ण या दंते व्यंजन के नाम से इनको जानते हैं। क्यों, इनका उच्चारण स्थान क्या बताया गया, इनका उच्चारण स्थान दंत्य बताया गया है। अब ये तो संस्कृत के सूत्र के अनुसार है, लेकिन अब यदि हम इसको आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इसको हम देखें तो यहाँ पे जो ये जो ले और स, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो जैसे आप तय थे दय धय बोलो, जब आप इनका उच्चारण करोगे तो उस समय आपकी जो जीवा है, जीवा नीचे वाले जो दांत है उन दांतों के ऊपर स्पर्श, मतलब उसका अंतिम पड़ाव जो होगा वो दांतों के ऊपर होगा। जैसे लेकिन जैसे आपने लय बोला तो बोलते ही आपकी जो जीभ है वो नीचे वाले दांत को स्पर्श करते हुए उसका अंतिम पड़ाव स्थल क्या हुआ, मसूड़े। नीचे वाले जो दांत है, दांतों के नीचे जो मसूड़े है वहाँ पर जीभ जाके आपकी रुक जाएगी। और यदि आप दंते सह को बोलोगे, दंते सह को बोलोगे तो उस समय भी आपकी जो जीवा है वो जीभ नीचे वाले दांत को स्पर्श करते हुए उसका अंतिम जो पड़ाव स्थल होगा वो मसूड़ों पे हो जाएगा, नीचे वाले जो मसूड़े हैं उन मसूड़ों पे जाके रुक जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे जो जो नय है, नय जो मैंने कहा ये नासिक के व्यंजन है, मतलब सूत्र के अनुसार तो नासिक के व्यंजन है, लेकिन जो आधुनिक हिंदी का जो वर्गीकरण है उसमें आप नय बोलोगे तो नय बोलते ही नय का जब उच्चारण करोगे तो उस समय भी आपकी जीभ दांतों को स्पर्श करते हुए नीचे वाले मसूड़ों के पास में जाके रुक जाएगी। इसलिए आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार ये जो तीन जो वर्ण है, तीन वर्ण कौन कौन से, जो तीनों जो वर्ण है इनको आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार तीन वर्ण न स और ल, इन तीनों को आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार ध्यान रखना, इन तीनों को वर्त से इनको वर्त से व्यंजन माना है, वर्त से व्यंजन माना है। 2000 जब सेकंड ग्रेड हुई थी 2010 में, उसमें पूछा भी था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण या कौन सा व्यंजन वर्त से है, तो ये जो उसमें ल ऑप्शन भी था और बाकी अन्य भी थे, तो ल वर्त से ध्वनि न स ल, ये आपको तीन ध्यान, नसल आप याद रखो, नसल तो नसल वर्त से ध्वनि है कि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है, जीवा का जो अग्र भाग है ये दांतों नीचे वाले दांत को स्पर्श करते हुए उसका अंतिम पड़ाव स्थल कहाँ आता है, उसका अंतिम पड़ाव स्थल मसूड़ों के पास में जीभ जाके अंतिम में अंत में रुक जाती है। तो इसका मतलब इसको ये मसूड़ों को छूती स्पर्श करती है, मसूड़ों के पास में रुकती है, इसलिए इनको वर्त से ध्वनि, वर्त से यानी संस्कृत में वर्त से यानी मसूड़े, संस्कृत में वर्त से ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, और मसूड़ा इसका अर्थ होता है मसूड़े, अर्थात मसूड़े जो हमारे दांतों नीचे वाले दांत के नीचे जो नीचे वाला भाग है जहाँ स्किन होती है, चमड़ी होती है, वहाँ उसे मसूड़े बोलते हैं। तो मसूड़ों पर जाके स्पर्श करते इसका अंतिम पड़ाव स्थल वहाँ होता है। तो जबकि तय थय दय धय चार बोलोगे तो उसकी उस समय आपकी जो जीवा है, जीवा का जो आगे वाला भाग है वो नीचे वाले जो दांत है उन दांतों पर रुकती है, और जबकि न स ल आप बोलोगे तो उसमें आपकी जीवा बिल्कुल मसूड़ों पे जाके रुकेगी। आप चाहे अभ्यास करके देखना तो आपका जो आधुनिक वर्गीकरण में जो मानक जो हमारे केंद्रीय हिंदी निर्देशालय जो हमें आगे इसका शोध करता रहता है तो उन्होंने इसको वर्त से नाम दिया है। तो यदि आपको ऑप्शन में दिया जाए कि न का उच्चारण स्थान क्या है, वहाँ पे तालव ये दंते भी दे रखा है और वर्त भी दे रखा है, तो उसमें फिर आपको वर्त वाला ऑप्शन सही करना है, और ले सह और ले का यदि उच्चारण स्थान पूछे तो फिर वहाँ पे दंते भी दे रखा है और वर्त भी दे रखा है, तो फिर आपको वर्त वाला ऑप्शन सही करना है, क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण में इसको वर्त ध्वनि माना गया है। और यदि मान लो कि वर्त नहीं हो तो फिर तो आपके पास में और कोई उपाय नहीं है, वहाँ पे तो फिर दंते है ही है, क्योंकि सूत्र के अनुसार संस्कृत के जो सूत्र है उसमें तो ये दंते है, और अपने उसके अनुसार वही करना है। दो ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में दोनों है तो फिर आपको वर्त वाला ऑप्शन सही करना है। इन तीनों के बारे में, इनके बारे में नहीं, ये जो चार ये तो दंते है, लेकिन इनके बारे में जो ऑप्शन में साथ में वर्त से ऑप्शन भी दिया हुआ है तो फिर आपको वर्त से वाला ऑप्शन ही सही करना है, दंते वाला ऑप्शन नहीं करना है। और यदि मान लो वर्त से नहीं दे रखा है तो फिर आपके पास में कोई इलाज नहीं है, आपको दंते वाला ऑप्शन ही सही करना है। आधुनिक वर्गीकरण में इनको वर्त से ध्वनि माना गया है,
और सूत्र में इनको दंत्य माना गया है, तो सूत्र के अनुसार ये दंत्य है और आधुनिक वर्गीकरण में ये वर्च्य ध्वनि के रूप में काम में आते हैं। वर्च्य यानी मसूड़े अर्थात इनका अंतिम जो हम उच्चारण करते हैं तो नीचे वाले दांतों को स्पर्श करते हुए ये फिसल जीभ हमारे फिसल करके और मसूड़ों पर जाके रुक जाती है, तब जाके इनकी ध्वनि निकलती है। तो आधुनिक वर्गीकरण में इनको वर्च्य ध्वनि माना गया है। ऑप्शन में दोनों हो तो फिर आपको इसका चुनाव करना है, और ऑप्शन में केवल दंत्य हो तो फिर आपके पास में कोई उपाय नहीं है, आपको दंत्य ही करना और दंत्य ही फिर आपका सही माना जाएगा। उसके बाद तो ये आधुनिक वर्गीकरण में ये है। उसके बाद में अब अपने ये क से लेकर और जो ध तक ये तय वर्ग हो गया। अब उसके बाद में अगला जो सूत्र आता है उपपद्मानिया नाम ओष्ठ है, तो इसका तात्पर्य है कि यदि हम स्वर में से ले स्वर में से हम ले तो स्वर में इसका उच्चारण स्थान ऊ और ऊ स्वर में से दम ले तो ऊ और दीर्घ स्वर ऊ तो इसको ओष्ठ माना गया है। उसके बाद में पूरा पद्मानिया मतलब इस पद को पैवर को पै फै बै भै में तो ये सारे ओष्ठ वर्ण है, तो ये पूरा पैवर्ग पैवर्ग मतलब पंचम वर्ण को छोड़ दो मय को छोड़ दो बाकी जो चार इसमें आ जाएंगे पैवर्ग, तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम ओष्ठ ध्वनि के नाम से हम इसको ओष्ठ ध्वनि के नाम से हम इनको जानते हैं, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान वो ओष्ठ है, तो ये उपपद्मानिया नाम ओष्ठ। उसके बाद में है तो चला गया ऊपर वाले में शामिल संस्कृत के जो सूत्र है उसके अनुसार, तो है तो इसमें शामिल हो गया, इसमें है जो है ये इसमें शामिल हो गया संस्कृत के सूत्र के अनुसार, और आधुनिक वर्गीकरण में ये कोमल जो अली जीवा या काकल्य इसको माना गया आधुनिक वर्गीकरण में, और सूत्र के अनुसार संस्कृत के सूत्र के अनुसार है किसमें कंठ वर्ण में शामिल हो गया। अब यहाँ पर बचा कौन सा वह बचा है, तो वह को अलग सूत्र में इसको अलग स्थान दिया गया है, वह को अलग माना गया है। एक समय था जब वह को भी ओष्ठ माना गया था लेकिन आधुनिक वर्गीकरण में इसको अलग माना गया है, तो और सूत्र में संस्कृत के सूत्र में भी इसको अलग माना गया है। वह को वकर से दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ तो जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो इसको अलग दिया गया है। तो यहाँ पे जो अंतस्थ उसमें व्यंजन में ये हो गया कि वह को छोड़ करके वह अलग बचा है, तो वह का सूत्र अलग है जो अभी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे स्वर में से दिम ले तो ऊ और ऊ और प वर्ग इनको हम किस के नाम से जानते हैं, इनको हम ओष्ठ के नाम से जानते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे ओष्ठ आपस में टकराएंगे और तब जाके इनकी ध्वनि निकल जाएगी। मतलब आपको प्रश्न पूछ लिया, पहले भी प्रश्न पूछे हुए कि यदि किसी व्यक्ति का नीचे वाला ओष्ठ कट जाए, यदि किसी व्यक्ति का नीचे वाला ओष्ठ कट जाए तो वो निम्नलिखित में से किस वर्ग या किस व्यंजन का उच्चारण सही नहीं कर पाएगा या किस वर्ग का उच्चारण सही नहीं आएगा, तो नीचे ओष्ठ कट जाए, ओष्ठ कट जाए तो इसका मतलब वो पै वर्ग का उच्चारण सही नहीं कर पाएगा। नीचे मान लो नीचे उन्होंने कुछ वर्ण दे दिए, कुछ व्यंजन नीचे लिख दिए, किस व्यंजन का उच्चारण सही नहीं कर पाएगा, तो पै वर्ग का उच्चारण सही नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, यदि किसी व्यक्ति का नीचे वाला ओष्ठ आया हुआ भी प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के नीचे वाला ओष्ठ कट जाए, ओष्ठ कटने पर वो किस वर्ग का उच्चारण सही नहीं कर पाएगा, या ऐसे आ गया कि यदि किसी व्यक्ति के जीवा का शीर्ष भाग जीभ के आगे वाला भाग कट जाए, मतलब जीभ कट जाए, यदि किसी व्यक्ति की जीवा का आगे वाला भाग कट जाए, जीभ का आगे वाला भाग कटने पर वो किस वर्ग का उच्चारण सही नहीं कर पाएगा, तो वो मूर्धन्य जो मूर्धन्य व्यंजन मतलब टैट है डैड है जो है इनका उच्चारण सही नहीं कर पाएगा, इनका उच्चारण सही ढंग से वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवा का शीर्ष भाग कटने पर वो किस वर्ग का उच्चारण सही नहीं कर पाएगा, तो आप ये देख सकते हो कि किस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, और यदि वो घायल हो जाए, यदि वो उच्चारण स्थान जख्मी हो जाए, घायल हो जाए, या वहाँ पे कुछ मतलब
किसी पर प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाए, तो विकार उत्पन्न होने पर, जैसे आपने देखा होगा कि अपने कभी कभी ठंड लगने पर अपना गला जाम हो जाता है, गला बैठ जाता है, तो फिर अपने से वो जो जो तालव्य वाले होते हैं, जो कंठे पर जो व्यंजन होते हैं सारे, जो जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो उनका हम ढंग से सही प्रकार से उनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और माल ताल में जो छाले हो गए, घाव हो गए, सही नहीं है, तो उसका उच्चारण हम सही नहीं कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कि यदि जिन उच्चारण स्थान से जिस स्थान पर जिस जो स्पर्श करके जो ध्वनि निकलती है, और यदि वो विकार उत्पन्न हो जाए उसमें, तो फिर वहाँ पे उच्चारण सही नहीं हो पाता है। तो इससे प्रश्न पहले पूछ भी गए कि ओष्ठ कटने पर कौन से वर्ग का उच्चारण सही नहीं हो पाएगा, और जीवा का शीर्ष भाग कटने पर कौन से वर्ग का उच्चारण सही नहीं हो पाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना कि जिस वर्ग का उच्चारण स्थान जो है, और यदि उसमें विकार उत्पन्न हो गया, यदि वो विकार उत्पन्न हो गया, उसमें जख्म आ गया, कुछ भी हो गया उसमें, तो उस वर्ग का उच्चारण सही नहीं हो पाएगा। अब देखिए कि अगला जो सूत्र दिया वकार से दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठ मतलब वह जो है, इस वह का उच्चारण स्थान है कि वह का उच्चारण स्थान क्या दिया है कि वकार से, मतलब वह का उच्चारण स्थान क्या है, दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ है। तो वह का उच्चारण स्थान में आपको पूछा कि वह का उच्चारण स्थान क्या है, तो दांत और ओष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ या दांत और ओष्ठ दोनों, वह का उच्चारण स्थान क्या है, दांत और ओष्ठ दोनों है। इसका सूत्र में भी अलग से सूत्र दिया गया, संस्कृत में भी इसको वक्र से मतलब दांत और ओष्ठ उच्चारण स्थान दिया गया, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो दांत और ओष्ठ, क्योंकि साथ में हमारी जो जी वो इस पर दांतों को भी स्पर्श करते हो, साथ में वह का उच्चारण करोगे तो जीव है वो नीचे वाले दांतों के पास में बैठ जाएगी, और साथ में आपके ओष्ठ भी गति करेंगे, इसलिए दांत और ओष्ठ दोनों गति करने पर वह का उच्चारण स्थान होता है। तो वह का उच्चारण स्थान क्या है, दांत और ओष्ठ है। इसको सूत्र में भी अलग दिया वकर से दंत ओष्ठ, मतलब दांत और ओष्ठ, इसको सूत्र में भी इसको अलग दिया गया। तो ये अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन में सारे इन सूत्रों में आ चुके हैं। अब बात आती है पंचम वर्ण की। पंचम वर्ण में आपको मैं एक और भी प्रमुख बात बताऊंगा जिसके बारे में प्रश्न भी पूछा गया है। तो पंचम वर्ण में सूत्र दिया गया है यमंगणना नाम नासिका। अब देखिए कि ये मंग उंग ने को इसको किस नाम से जानते हैं, इनको हम नासिका के नाम से जानते हैं, हालांकि इसका हम उच्चारण करते हैं अंगयणनमय, मतलब पूरी नाक से ध्वनि निकलती है, अंगयणनमय ध्वनि निकलती है। अब देखो कि प्रश्न क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हिंदी की वर्णमाला के अनुसार कौन सा पंचम वर्ण का कौन सा क्रम सही है, हिंदी की वर्ण पंचम वर्ण का सही क्रम क्या है, ठीक है, ऐसा प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से पंचम वर्ण का सही क्रम क्या है, ठीक है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा तो इसका मतलब ये किसके अनुसार पूछा है, हिंदी की वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से पंचम वर्ण का सही क्रम क्या है, तो पंचम वर्ण का सही क्रम जो है, इसका मतलब ये सीधा प्रश्न पूछा तो इसका मतलब ये हिंदी की वर्णमाला अनुसार पूछा है। यदि वहाँ पे ऐसा होता कि सूत्र के अनुसार, संस्कृत के सूत्र अनुसार पंचम वर्ण का सही क्रम क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए, तो फिर आपको सूत्र के अनुसार वाला ये करना है कि पहले ये, फिर मैं, फिर अंग, फिर अण और फिर न, ये ऐसा प्रश्न आए कि सूत्र के अनुसार पंचम वर्ण का सही क्रम क्या है। और ऑप्शन में मान लो आपको ऑप्शन में ये भी दिया, पहला अंग ये ण न में ये भी दे रखा है, और वो भी दे रखा है ये मैं अंग ण न ये दे रखा है। तो सूत्र के अनुसार यदि पूछा जाए कि सूत्र के अनुसार पंचम वर्ण का सही क्रम क्या है, तो फिर आपको ये ऑप्शन सही करना है जिसमें जिस ऑप्शन में ये हो, पांचों
तो सूत्र के अनुसार तो ये करना है। और यदि सीधा प्रश्न पूछा भी गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया है, और कुछ जो विद्यार्थी थे जिन्होंने मान लो सूत्र के बारे में भी पढ़ा पढ़ा था, तो उनका दिमाग में ऐसा आया आया भी था कि यदि इतना सरल प्रश्न पूछा तो इसका मतलब इसमें ज़रूर कोई बात होगी। और उसमें ऑप्शन में ये भी दे रखा था, ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो ये था, जबकि प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था कि वर्णमाला के अनुसार, पंचम वर्ण का सही क्रम क्या है। यह ऑप्शन प्रश्न में प्रश्न था कि वर्णमाला के अनुसार पंचम वर्ण का सही क्रम क्या है, और ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन ये दे रखा था, उसके बाद में ऑप्शन ये भी था। तो उसमें सीधा पूछा कि जिन विद्यार्थियों ने थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगा लिया क्योंकि वो सूत्र के अनुसार पढ़ा, तो उन्होंने देखा इतना इजी प्रश्न कौन पूछेगा और इतना सरल प्रश्न पूछने का मतलब नहीं है, तो हो सकता है सूत्र वाली बात पूछी होगी, तो उन्होंने इस ऑप्शन को सही कर दिया। जबकि उसमें यह नहीं था कि सूत्र के अनुसार यदि पूछे कि सूत्रानुसार सही क्रम क्या है, तो सूत्र के अनुसार तो सही क्रम पहले ही है, यानी कि ये जो चयवर्ग पहले आएगा, चयवर्ग का पंचमवर्ण, फिर उसके बाद में पयवर्ग का पंचमवर्ण, उसके बाद में कयवर्ग का पंचमवर्ण, उसके बाद में टयवर्ग का पंचमवर्ण, उसके बाद में तयवर्ग का पंचमवर्ण, तो ये सूत्र के अनुसार तो यमंगण ना नाम नासिका, और वर्णमाला के अनुसार तो अपने को पता है वर्णमाला में कयवर्ग चयवर्ग टयवर्ग तयवर्ग और पयवर्ग इनका पंचमवर्ण क्या है। तो वर्णमाला के अनुसार यदि पूछा तो उसमें ऑप्शन ये सही था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसको भी ऑप्शन को सही किया था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों की ये ऑप्शन गलत भी हो गया था। तो अपने को ध्यान में रखना है कि सूत्र के अनुसार पूछे तो सूत्र के अनुसार तो यमंगणना नाम नासिका, और यदि वर्णमाला के अनुसार पूछे तो अंगयण में अंग, क्यों इसका उच्चारण उच्चारण स्थान क्या है, ये नया था और गए, और ये और ये ने मैं, ऐसे इनका उच्चारण अंगय, तो इसको अंगे बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो ये वर्णमाला के अनुसार है और सूत्र के अनुसार वो है, तो ध्यान रखना। तो इसका सूत्र क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या, नासिका मतलब नाक, नाक से इनका उच्चारण होता है, नासिक के व्यंजन है ये, नासिक के व्यंजन में इनको बोलते हैं, पंचमाक्षर भी इनको बोलते हैं, पंचम वर्ण भी इनको बोलते हैं, इनका नाम क्या है, पंचम वर्ण, पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन, ठीक है, पंचम वर्ण, पंचमाक्षर, नासिक के व्यंजन इनको बोलते हैं, अर्थात नासिका मतलब नाक इनका उच्चारण स्थान है, अर्थात ध्वनि नाक से निकलती है और नाक से निकलने पर इनका उच्चारण सही होता है। तो अब आपको इसे ध्यान रखना है कि अब देखो क से लेकर प तक के जो वर्ण है, क से लेकर प तक के जो वर्ण है इनको एक तो क्या नाम दे रखा है, इनको इनको नाम दे रखा है वर्गीय, वर्गीय व्यंजन, क से लेकर प तक के जो यानी क से लेकर म तक के जो वर्ण है, 25 जो वर्ण है इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी इनको हम जानते हैं, वर्गीय व्यंजन के नाम से भी इनको जानते हैं। और साथ साथ में क से लेकर जो म तक के जो वर्ण है ये अलग अलग स्थान पर स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी इनको जानते हैं, वर्गीय व्यंजन नाम भी इनका है और स्पर्शी व्यंजन भी इनका नाम है, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, व्यंजन ये मान लो बोले स्पर्शी व्यंजन और वर्गीय व्यंजन के नाम से भी, क्योंकि ये पांच वर्गों में विभाजित है, इससे इनको क से लेकर म तक के जो वर्ण है 25 वर्ण है इनको वर्गीय व्यंजन, और साथ साथ में इनको स्पर्श भी करते हैं, तो इसलिए साथ साथ में इनको स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी इनको जानते हैं। अब देखिए आधुनिक वर्गीकरण में वैसे सूत्र के अनुसार ये सब 25 वर्ण है, क से लेकर म तक 25 वर्ण है, और सूत्र के अनुसार इनको साथ साथ में जो, अब देखिए इस बात का पूरा ध्यान रखना कि नीचे बिंदी इनको भी इस टय वर्ग में शामिल किया गया है, यानी कि ये जो कहाँ पे है इसका स्थान आ रहा है यहाँ पे और इसका स्थान आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उच्छिप्त जो व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है इनको भी आधुनिक वर्गीकरण में शामिल किया गया, यदि मान लो कि स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ ले और वहाँ पे 27 दिया हो, मतलब 25 तो ये क से लेकर ये 25 ये और दो ये शामिल, तो दो प्लस हो गए तो 25 और दो 27, तो आधुनिक वर्गीकरण में मान लो 27 हो वाला ऑप्शन भी यदि आए तो आप 27 भी सही कर सकते हो, 27 वाला भी सही, मैं क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण में इनको शामिल किया गया, ये टय वर्ग में शामिल किया गया, इनके जो अलग अलग नाम है ये ताड़न जात है, उच्चिप्त व्यंजन है,
इनको द्विगुण भी बोलते हैं, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो जो व्यंजनों का जो दो भागों में वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका नाम आएगा, तब इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी आपको इसमें बताया गया कि ट वर्ग में इसको शामिल किया गया है, आधुनिक वर्गीकरण में इसको शामिल भी कर लिया गया है, तो ये आधुनिक वर्गीकरण में शामिल हो गया। तो ये उच्चित व्यंजन होता है, ये ताड़न जात होता है, तो इसके बारे में आगे पढ़ लेंगे अभी। तो क से लेकर जो म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो वर्गीय व्यंजन है, उसके बाद में इनको स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि स्पर्श करके ध्वनि निकलती है, और ये सारे इनके अंदर अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन सब इसके अंदर सूत्र के अनुसार इसमें शामिल हो चुके हैं। और अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है कि अपनी जो जीव है वो दांतों को, तालू को, सबको स्पर्श करके ध्वनि वो जीव अंदर ही नीचे गिर जाती है, तो अंतस्थ मतलब ध्वनि एक प्रकार से अंदर के अंदर स्थित हो जाती है, तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसमें व्यंजन में इनमें उष्मा, इसमें ध्वनि कम और हवा, उष्मा के रूप में हवा ज़्यादा बाहर निकलती है, इसलिए इनको उष्मीय व्यंजन के नाम से भी इनको जानते हैं। अब देखिए कि अपने स्वर में सीधे हमले, तो स्वर में सीधे हमले तो ए और आ गया, ई आ गया, री आ गया, लि आ गया, ऊ और ऊ आ गया। अब बचा अपने एक तो बच गए ए और आई, ये बच गए स्वर में से दिमले, तो ये बच गए। तो इनको सूत्र दिया ए दे तो कंठ तालु हु, ए दे तो कंठ तालु, मतलब ए दय तो मतलब दोनों ए आई, ए और आई दोनों को किस नाम से जानते हैं, कंठ तालु के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ए आई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ए आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया, कंठ प्लस तालु, मतलब कंठों से ध्वनि निकलती है, साथ में जीवा वो तालु की स्पर्श भी करती है, तो ए दय तो कंठ तालु। तो सूत्र के अनुसार इसका उच्चारण स्थान क्या है, ए दय तो, और आधुनिक वर्गीकरण में भी इनका उच्चारण स्थान ए दय तो कंठ, मतलब ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है। उसके बाद में स्वर में से और बच गए ओ औ, ओ औ तो इनका हो गया ओ दो तो कंठोष्ठ, औदव तो कंठोष्ठ, ठीक है। मतलब और अव का उच्चारण स्थान, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ, ठीक है, कंठ और ओष्ठ मतलब कंठोष्ठ। तो ओ अव का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ है, और ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। आधुनिक वर्गीकरण करण में भी इनको कंठ ओष्ठ माना गया है, और सूत्र में भी इनको कंठ और ओष्ठ माना गया है, और ये कंठ और तालु ए आई को कंठ और ओष्ठ के रूप में माना गया, चाहे सूत्र हो चाहे आधुनिक हिंदी का वर्गीकरण, उसमें भी ये कंठ के नाम तालु, कंठ तालु के नाम से जाने जाते हैं, मतलब इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, और ये भी कंठ और ओष्ठ के रूप में इनको जानते हैं। तो इस प्रकार सूत्र में जो स्वर है, स्वर सारे स्वर आ गए, और अपने जो व्यंजन है ये सब सूत्र के अनुसार ये सारे सारे व्यंजन भी इसमें आ गए हैं। अब देखिए कि जो आधुनिक वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में अपने जो अनुस्वार है, भाई ये सारे स्वर तो आ गए, अब बात आती है अपने इन तीनों की, जो अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग, जिनके बारे में हम कल पढ़ भी चुके हैं कि स्वर का भी हमने उच्चारण स्थान पढ़ा था, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक है, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूरी ध्वनि कहाँ से निकलती है, कल हमने पढ़ा भी था कि पूरी ध्वनि नाक से निकलती है, नासिका इसका उच्चारण स्थान है, और ये अनुनासिक जिसका दूसरा नाम अर्धानुस्वार भी है, अनुस्वार का आधा, ठीक है। अनुस्वार में तो पूरी ध्वनि कहाँ से निकलती है, नासिका से,
और अनुनासिक का मतलब है अनुनासिक, या इसको अर्धानु स्वर भी कहते हैं, अनुस्वार का अर्ध मतलब आदि ध्वनि नाक से आदि ध्वनि मुख से, और अर्थात हमें जब उच्चारण करते हैं तो हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, आसानी से ध्वनि निकल जाती है। और नासिका अनुस्वार में पूरी पूरी ध्वनि हमें नाक से ध्वनि निकलती है, तो वो अनुस्वार है। और यह अनुनासिक अर्थात नाक के पीछे बोली जाने वाली ध्वनि अर्थात आदि ध्वनि नाक से आदि ध्वनि मुख से निकलती है। और ये विसर्ग जो ये हैकार के ध्वनि निकलती है अर्थात इसका ये कंठ से ध्वनि आती है, विसर्ग हैकार के ध्वनि, तो इनका उच्चारण स्थान भी वो जो है का उच्चारण स्थान है को अलिजीवा माना गया है। और सूत्र में इसको सूत्र के अनुसार इसका जो उच्चारण स्थान है वो इसको कंठ के रूप में माना गया है सूत्र में, तो उस हिसाब से अपने को देखना है। तो जबकि इनका उच्चारण स्थान कोई पूछता नहीं है, ये जो घोष अघोष उसमें मान लो कि विसर्ग को पूछे तो पूछ सकते हैं, जबकि सूत्र में इसको अकु है विसर्जनिया नाम कंठ, अर्थात सूत्र में इसको कंठ के रूप में दिया गया है। और जहाँ पे आधुनिक वर्गीकरण में इसको ज़्यादा इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया है, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इसमें विचार जो नहीं करने पर ज़्यादा इसके ऊपर अपने को आधुनिक वर्गीकरण में विचार नहीं किया गया, तो जहाँ पे इसको है को जहाँ उच्चारण स्थान माना गया है, जो है को आधुनिक वर्गीकरण में काकल्य माना है, तो विसर्ग को भी आपने जो विसर्ग है इसको भी अपने काकल्य के रूप में ही अपने को मानना है, क्योंकि जहाँ पे है वहीं पे विसर्ग है, क्योंकि ये है कार की इसमें है कार की ध्वनि होती है, ये है कार की ध्वनि है, तो है कार की ध्वनि, तो आधुनिक वर्गीकरण में जो विसर्ग है वो काकल्य है, जैसे है भी काकल्य है या अलिजीवा है, तो है कार भी है भी क्या अलिजीवा या काकल्य है। तो आधुनिक वर्गीकरण में विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, काकल्य, और सूत्र के अनुसार इसका उच्चारण स्थान कंठ है। और ये अनुनासिक है, ये आदि ध्वनि नाक से आदि ध्वनि मुख से, हमें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, और यह पूरी नासिका से ध्वनि निकलती है। और ये स्वर के बाद में उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं, स्वर के बाद में उच्चारित होती है चाहे तीनों, इसलिए इनको अयोग वह ध्वनि के रूप में हम इनको जानते हैं, इनको अयोग वह ध्वनियाँ मानते हैं। तो ये सूत्रों के अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, चाहे वो स्वर हो जिसमें अपने 11 स्वर भी आ गए और अपने ये व्यंजन भी आ गए। अब बात आती है अपने संयुक्ताक्षरों की, तो संयुक्ताक्षर के बारे में हम आगे पढ़े अभी पढ़ लेंगे। वैसे संयुक्ताक्षर के बारे में आप सब जानते भी हो ज़्यादा, उसमें कौन किसका निर्माण किसे हुआ है, कि संयुक्ताक्षर का कोई भी उच्चारण स्थान नहीं है। अब देखो कि जो वर्णमाला है उसमें संयुक्ताक्षर भी संयुक्ताक्षर, ठीक है, संयुक्ताक्षर अपने ये संयुक्ताक्षर है। कल भी अपने इनके बारे में बीच में चर्चा भी की थी, यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर का मतलब है ए ऐ ओ औ, और संयुक्त अक्षर संयुक्ताक्षर अक्षर नाम आते ही ये हो जाएगा। ऑप्शन में मान लो कि पूछा संयुक्त स्वर कौन से हैं, ऑप्शन में पहले ये दे दिया, तो अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने गौर करना है कि अक्षर नाम आए तो ये और स्वर नाम आए तो ए ऐ ओ औ, वो चारों होते हैं और ये चारों होते हैं। अब देखिए कि इनका कोई उच्चारण स्थान अलग से इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं है, यदि मान लो फिर भी पूछ लिया जाए कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो जिन जिन वर्णों से मिलकर के जिन जिन ध्वनियों से मिलकर के बने हैं उनके अनुसार इसका अपने को देखना है। तो ये किससे बना है, ये अपने को के श और साथ में इसके ए। अब देखो इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है मूर्धा, और इसका उच्चारण स्थान क्या है वापस से या तो कंठ माने सूत्र के अनुसार या फिर कोमल तालव्य, ठीक है, या तो अपने कंठ है या फिर जो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इसका जो उच्चारण स्थान वो हो गया कोमल तालव्य। ये तो इनका उच्चारण स्थान, यदि इनका उच्चारण स्थान पूछे और ऑप्शन में यदि ऐसा ऑप्शन हो, ऑप्शन में यदि ये ऑप्शन हो, तो फिर आपको जो जिससे बनाए उसके अनुसार आपको इसका उच्चारण स्थान देना है। हालांकि
चाहे वो सूत्र हो, चाहे संस्कृत के सूत्र हो, चाहे आधुनिक वर्गीकरण हो, उनमें इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर हैं, अर्थात ये ध्वनियों को मिला मिला करके इनका निर्माण किया गया है, अलग से इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं है। तो क्योंकि जब जहाँ पे इनका उच्चारण करते हैं उस समय अपनी जो जीवा है, वो तालु है, सबको स्पर्श, कंठ से ध्वनि निकलती है, जीवा कठोर भाग को स्पर्श भी करती है और साथ में वापस तालु को स्पर्श करती है, तब जाके इनकी ध्वनि निकलती है। तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान कोई नहीं दिया, फिर भी मान लो उच्चारण स्थान पूछ ले परीक्षा में, तो आपको देखना है कि ऑप्शन में ऐसे दे ऑप्शन दे रखे हों, ऐसे ऑप्शन दे रखे हों, तो उसमें जो जिसे बना हुआ है उसके अनुसार उनको जोड़ जोड़ के देखना है कि जो शय का निर्माण होता है वो कह शय और ऐसे होता है, तो कह का उच्चारण स्थान कंठ है, शय का उच्चारण स्थान फिर मूर्धा है, उसके बाद में फिर कंठ है या कोमल तालव है, जो भी आधुनिक वर्गीकरण हो या सूत्र के अनुसार दिया हो उसके अनुसार आपको देखना है। यदि ऐसा हो तो फिर आपको ये ऑप्शन करना है, यदि ऑप्शन नहीं है ऐसा, मतलब ऐसा प्रश्न नहीं पूछे और पूछ भी ले तो ऐसा ऑप्शन हो तो आपको करना है, नहीं तो फिर इनका कोई उच्चारण स्थान इनका नहीं है। उसके बाद में इसका तय रे और है, अब इसमें तय का उच्चारण स्थान दंते ये मूर्धा और वापस ये कंठे या कोमल तालव है, उसके बाद में ये जय ये और ए, उसके बाद में ये शय रे और ए, ये तो इनका कोई उच्चारण स्थान फिक्स नहीं है, बस ध्वनियाँ जुड़ी हुई है तो जोड़ करके यदि इनका उच्चारण स्थान पूछे ऑप्शन में यदि वो आ रहा है तो फिर आपको करना है, और वैसे नहीं पूछे पूछने के चांस यदि मान लो नहीं हो तो ऑप्शन मान लो किसी ने प्रश्न बनाएंगे पूछ भी लिया तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इनका निर्माण इनसे हुआ है और आधुनिक जो वर्गीकरण ये जो है विद्यालय सब में विद्या वाला आता है, तो ये द और यह से बनता है, ठीक है, द और यह से बनता है। इसको भी जो कई जो इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था हिंदी में कुल वर्ण का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि कुल वर्ण में अलग अलग विद्वानों में अलग अलग विचार है, कुछ कईयों ने इसको भी शामिल कर रखा, इसको भी गिनती में ले रखा है, तो ऐसे करने पर वो 56, 57, 58 संख्या उनकी बढ़ती जाती है। और आजकल तो जो बहुत सारे जो जो शामिल हो चुके हैं संयुक्त अक्षर के रूप में काफ़ी काम आने लग गए, जैसे है के साथ में मैं आ गया, है के साथ में न आ गया, है के साथ में वह आ गया, है के साथ में रे आ गया, है के साथ में री भी आ गया, इस प्रकार इनको जोड़े जाए तो संख्या फिर बढ़ती जाएगी, इसलिए कुल वर्ण का प्रश्न नहीं के बराबर नहीं पूछा जाता है। और मान लो पूछ भी लिया जाए तो वो प्रश्न विवाद में जाएगा वैसे भी, क्योंकि ये सब कोई अलग अलग विद्वान अलग अलग शामिल कर लेते हैं, सबको मान लेते हैं, तो जबकि मानकता इनमें नहीं, तो मानकता अभी मानक रूप में पहले 3 थे, उसके बाद में ये भी शामिल, इसको भी शामिल कर लिया गया, तो मानक तो 4 है और बाकी ये मानक नहीं है। इसलिए जो अपना जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है इसलिए वो विद्यालय में इसको ही शुद्ध मानते हैं, विद्यालय शब्द को इसको वो मानक मानते हैं, जबकि विद्यालय शब्द ऐसा भी लिखते हैं। और कुछ माल जल्दबाजी में कुछ लोग या बच्चे विद्यालय में ऐसा भी बहुत सारे लोग ऐसे लिखते भी हैं, ऐसा भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये दय धनुष वाला नहीं, धनुष नहीं, ये है दय, दय दय और ये है, इसलिए जो अपना केंद्रीय हिंदी निदेशालय है वो इसको विद्यालय को ये इसको मानक मानते हैं, ये शुद्ध है, क्योंकि ये दय और ये है, ये खुल कर आने पर विद्यालय, इसका उच्चारण तभी से आ पाता है विद्यालय, वरना बहुत सारे लोग विद्यालय बोल देते हैं विद्यालय, तो वो उच्चारण सही नहीं होता है, इसलिए विद्यालय शब्द ये मानक रूप में है और इसको जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय उसको इसका जो खुला रूप है उसी को मानक के रूप में वो मानते हैं। तो जिसका जो निर्माण हो रहा है उसके अनुसार इसका उच्चारण स्थान मान लिया जाए, यदि ऑप्शन में ऐसा आ गया तो करना है, वरना तो इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं है। तो ये जिन जिन से बनते हैं आगे शब्द को उसके कर्म में भी इनका प्रश्न, तो शब्द को उसके कर्म के बारे में भी जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, शब्द को उसके कर्म में भी शामिल होते हैं, अपना शब्द को कहाँ से लेकर कहाँ पर शुरू होता है और किस वर्ण पर समाप्त हो जाता है, तो ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं, तो इनका कर्म कहाँ पर आता है इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये संयुक्ताक्षर है इनका, तो अपनी जो वर्णमाला है उसमें 33 जो वर्ण है
33 वर्ण और ये संयुक्ताक्षर भी शामिल करने पर वो संख्या उनकी बढ़ जाती है। अब देखिए, ये तो उच्चारण स्थान के आधार पर। अब अपना उच्चारण में दूसरा अपना वर्गीकरण आता है,